हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। रोज कुछ ना कुछ नया लर्निंग और अर्निंग का लाते रहते हैं, वैसे ही आज हम लाए हैं। ट्रेडिंग व्यू पर आ गया है चार नया इंडिकेटर जिसके लिए आप पैसे खर्च करते हो, वो आपको अब फ्री में मिलने वाला है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे जब भी मैं आता हूं लाइव या वीडियो अपलोड होती है वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और कुछ भी मिस नहीं करेंगे। वीडियो का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा क्योंकि मोस्टली कई बार हम गलती क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और जो फाइनल समरी है वो भूल जाते हैं। और मेरी नज़र में इस सारी बेनिफिट के बाद जो लास्ट में मेरा फाइनल आउटपुट क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो जरूर सुन लीजिएगा जिससे रियल फायदा हो सके। तो सबसे पहले, अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने नहीं आता है तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले भी ट्रेडिंग व्यू के कुछ हैक्स थे, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत प्यार आपने दिया था, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब लेटेस्ट अभी क्या आया है उससे शुरू करते हैं। हम सब के अंदर इलीट वेव सीखने के बारे में बड़ी ही दिलचस्पी रहती है, कई लोग सीख भी लेते हैं लेकिन जब चार्ट पे ड्रॉ करने की बात आती है तो वहीं नहीं डाल पाते हैं। तो वहां पर अब इलियट वेव आपके लिए लेकर आया है ये बिल्कुल मुफ्त मुफ्त और मुफ्त। देखिए यहां पर आपके सामने ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, यहां पर इंडिकेटर सेक्शन के हम जाते हैं और इंडिकेटर सेक्शन के अंदर में जब हम इलियट वेव ट्राई करते हैं तो इलियट वेव चार्ट पैटर्न आपके सामने आ गया। और जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि टीवीएस मोटर के चार्ट में किस तरीके से वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर और उसके बाद ये फाइव बना है। अगर आपको चार्ट बदलना हो तो एक एग्जांपल के लिए हम रिलायंस भी ट्राई कर सकते हैं। और रिलायंस के चार्ट में अगर हम जाते हैं तो अब रिलायंस के चार्ट में भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इलियट वेव की क्या कहानी है। तो यहाँ पर आपके सामने ये इलियट वेव के पैटर्न को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो इस तरीके से जिन जिन को जिस जिस चार्ट में देखना हो वो इस तरीके से चार्ट बदल बदल के इलियट वेव देख सकते हैं। तो ये क्या था, एक बुलिस इलियट वेव था लेकिन आपको बेरिस भी देखना है। तो यहाँ पर जब सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग के इनपुट में जाते हैं तो इन्वर्ट पैटर्न पे हम क्लिक कर लेंगे। तो इन्वर्ट पैटर्न पे जब हम क्लिक करेंगे तो कोई मार्केट जिस मंदी में होगा, जैसे अभी तो ये सब स्टॉक क्या है, इलियट वेव एक लंबी चाल बताता है, तो दैट्स द रीज़न क्या है कि फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव करेक्शन, मतलब बुल रन और बेरिस दोनों का मूवमेंट होता है। लेकिन जब कंप्लीट एक बेरिस फेज में आता है तो वहाँ पर वो इन्वर्ट पैटर्न सेलेक्ट करने पर बेरिस इलियट वेव भी आपको बताएगा। तो इस तरीके से ये वो पहली चीज़ है जिसका आप मस्त मज़ा ले सकते हैं। तो आप में से कौन कौन लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ज़रूर बताइए कमेंट में। और अब आता है नेक्स्ट, बहुत लोग फिबोनाची सीखते हैं, बहुत लोग एडवांस फिबोनाची सीखते हैं बट यूज़ नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर कैसे आप फ्री में आराम से डाल सकते हैं उसका सॉल्यूशन कर दिया है ट्रेडिंग व्यू ने। तो सबसे पहले यहां चलते हैं इंडिकेटर में और हम डालते हैं फीबो। तो आपके सामने आ गया एडवांस फीबो एक्सटेंशन, एडवांस फीबो रिट्रेसमेंट। तो एडवांस फीबो एक्सटेंशन की पढ़ाई अगर आपने की हो तो यहां पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एडवांस फीबो एक्सटेंशन में मैं इस चार्ट को जूम करता हूं तो ये एक तेजी हुई, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ और उस रिट्रेसमेंट का एक्सटेंशन एज पर एडवांस फीबो एक्सटेंशन में ये दिखा रहा है कि ऊपर के क्या लेवल हैं। तो ये ऑटोमेटिक ऑटो सेलेक्ट कर लिया, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एडवांस फीबो एक्सटेंशन क्या है अगर आपको नहीं आता है तो ये बड़े ही मज़े की चीज़ है जिसको हम अपनी हर क्लास में सिखाते हैं जो 10 जुलाई से शुरू हो रही है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिमेंडस चीज़ है जहाँ पे गिरते मार्केट बढ़ते मार्केट में आपको वो लेवल मिलते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे पाती है। अब
इसके बाद हमने क्या कहा, एडवांस फीबो के बाद अब फीबो जब हमने एक्सटेंशन देखा तो अब फीबो रिट्रेसमेंट देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर ऑटो फीबो रिट्रेसमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, और ऑटो फीबो रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करने पर आपके सामने अगर आप देखो तो ये हाई से यहाँ गिरावट हुई है, तो ऊपर में सारे फीबो के लेवल आ गए 38, 50, 61.8 आराम से बिना किसी मेहनत के। यानी एक तो परफेक्ट आपने फीबो और एडवांस फीबो ड्रॉ कर लिया बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मिस्टेक के, और अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो अभी तक दो चीज़ कर चुके हैं, आपको कौन सा पसंद आता है वो ज़रूर हमें बताइए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर, चार्ट पैटर्न। जो बहुत तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं तो हमें कई तरह की मुश्किल आती है, तो वहाँ पर ये अब वो भी लेकर आए हैं। जैसे हम दिखाते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का है, और रिलायंस इंडस्ट्री में ये जब हम चार्ट पैटर्न में जाते हैं तो यहाँ पर अगर हमने चार्ट सेलेक्ट किया तो आपके सामने बेरिस फ्लैग, बुलिस फ्लैग, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, रेक्टेंगल चार्ट, हर तरह का चार्ट है। तो हमने यहाँ पर पहले से अपनी स्टडी के लिए बुलिस फ्लैग डाला हुआ था, तो अगेन आपके सामने है कि बुलिस फ्लैग यहाँ पर बना, आपको बता दिया। ऐसे ही अगर हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं तो जिस दिन यहाँ पे आप देखो सालीमार पेंट, यहाँ पर बुलिस फ्लैग बना, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न आप चेंज कर करके अपनी पसंद का चार्ट पैटर्न देख सकते हो। तो ये हुआ तीसरा बेनिफिट। और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जिसके साथ अकाउंट ओपन करना चाहें आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट ये एक और बेहतरीन फीचर लेके आए हैं जो है डाइवर्जेंस। तो यहाँ इंडिकेटर में गए और हमने यहाँ डाइवर्जेंस इंडिकेटर पर क्लिक किया। अब जब डाइवर्जेंस इंडिकेटर पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस चार्ट में गौर कीजिए, जब जब बीयर इनकी एज पर स्टडी हुई है तो यहाँ पर एज पर स्टडी ये बीयर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से आप देख रहे हो मार्केट में गिरावट हुई है, यानी मार्केट में तेजी। तो आपको अगर ये स्टडी आती है तो यहाँ से आप देख रहे हो गिरावट, तो ये आपको डाइवर्जेंस इंडिकेटर बताते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे आखिरी पड़ाव पर, आपने सारे इंडिकेटर देख लिए, सब कुछ देख लिया, बट याद रखिए ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ डाइवर्जेंस डाला, बियर दिखा, सेल कर लिया, ये स्क्रीनर ने फ्लैग पकड़ा, आपने ट्रेड कर लिया। क्यों? क्योंकि स्क्रीनर की अपनी एक कोडिंग स्टडी होती है और वो कोडिंग स्टडी पर ये चीज़ों को बताते हैं। तो यानी प्रैक्टिकल दुनिया से इनका रियल या प्रैक्टिकल स्टडी से जो इनकी रिजल्ट होती है वो बहुत दूर होती है। तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कोडिंग के आधार पर कई बार गलत फ्लैग, कई बार गलत चार्ट पैटर्न भी सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार गलत हाई लो भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हर समय इसको परफेक्ट नहीं मानना है। साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज़ और चार्ट का तड़का। बहुत बार न्यूज़ पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है क्योंकि आपका भाई है आपकी हेल्प के लिए। टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, मैं चार्ट और न्यूज़ दोनों दूंगा तो आप सही फ़ायदा ले सकें। तो यहाँ पर 100% कुछ नहीं है, कई बार हमें अपने दिमाग को भी सिलेक्ट करना पड़ता है, बट ये कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को आसान जरूर कर देते हैं, जो मेरा बताने का मुद्दा और मकसद था। और बाकी देखिए, जब तक आप इसको यूज़ करना नहीं जानेंगे, आप इसका सही यूज़ नहीं जानेंगे, तो इंडिकेटर कितने भी मिल जाएं आप कभी यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो आधा नॉलेज हमेशा नुकसान कराता है, वही वाली कहानी होगी। तो उम्मीद करूँगा सीख के समझ के इसका पूरा फ़ायदा लेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे जिनको आता हो वो इस फ्री इंडिकेटर का यूज़ करते हुए पूरा फ़ायदा ले सकें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।